الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے تیرا نام مٹانے والے مٹ سکا ہے نہ مٹے گا نام تیرا نام تیرا محشر نو جدو ہر کوئی ڈول سی نفسی نفسی ہر کوئی بول سی امتی امتی بول تیرا بول تیرا جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دلال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دلال ہون گے جنت نو جائے گی سواری آپ دی جنت نو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دلال ہون گے اپو اپنی سب نو پئی ہوئے گی اپو اپنی سب نو پئی ہوئے گی ہر مدنی نو امت دے خیال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دلال ہون گے اور جڑے صدا پڑھدے نے درود آپ تے جڑے صدا پڑھدے نے درود آپ تے جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنا دلال ہون گے مختصر
हमदो सना और दुरूदो सलाम दे बाद मेरे मोहतरम भाइयो दोस्तों बुजुर्गो पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी मुअज्जजात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओं और बहनों अल्लाह ताला दा एहसान अजीम है जिस रब्बुल आलमीन ने सानू इंसान बनाया और मुसलमान बनाया वादे बा मुताबिक आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं जो मौजू बयान करना चाहना वो है शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकदार कौन रोज़े महशर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किन खुश नसीब लोगों की सिफारिश फरमाने और केड़े केड़े लोग नबी पाक की सिफारिश की वजह करके अल्लाह की जन्नत के मेहमान बन जाए। सब तो पहले बात ज़हन च रखो सिफारिश शफात बर हक है और वैसे भी अहले ईमान कोल ते उम्मीद आस भी यही है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत करेंगे ते बख्शे जावांगे हुजूर सिफारिश करेंगे ते बख्शे जावांगे। मगर ये अंदर एक गल ज़हन च रखो असी बाज़ दफा कहने जी मैं फलां दे लड़ लग गया ते बस बख्शिया जावांगा मैं उन्हूं पला फड़ाता ते मैं बख्शिया जावांगा नहीं भाई इंज गल नहीं बननी ये भी ना समझो भी बस सिफारिश ही है ते होर अमल वाली गल ही कोई नहीं नहीं अगर इंज होंदा ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी बेटी लाडली बेटी सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा नूं कहा सी फरमाया फातिमा ये ना समझी कि मैं नबी की बेटी हाँ तो मैनू एवें जन्नत लग जाए नहीं बल्कि अमल करके जन्नत नूं जाणे नबी पाक ने सिफारिश भी उन्होंने लोगों की करनी है जेडे ईमान आए हो अमाले साले करने वाले हो गुनाहगार लोगों की हजूर सिफारिश फरमान गए पर ए नहीं भी वो अमल तो उंज ही कोरा हो बहरहाल क्यामत वाले दिन साड़ी मर्जी के लोगों सिफारिश नहीं कर चंद लोग उत्थे कोई कदम नहीं हिला सकेगा अल्लाह की अदालत ये दुनिया की अदालत थोड़ी जेड़ा मर्जी बोल पे अल्लाह की अदालत कोई कदम नहीं हिला सकेगा कोई अपनी जबान नहीं खोल सकेगा अल्लाह ताला जिन्हू बुलाएगा जिन्हू अल्लाह ताला इजाजत देंगे वो अल्लाह की बारगाह सिफारिश रोजा सिफारिश करेगा कुरान पाक सिफारिश करेगा अल्लाह के फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे बाद लोगों दीगर नेक अमाल भी ऐसे हैं जेडे बंदे की सिफारिश कर अंबिया अलैहिस्सलाम भी सिफारिश करेंगे अल्लाह के वली नेक लोग भी अच्छियां दी सिफारिश करेंगे और बिलखसूस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी लोगों की सिफारिश करेंगे और आप दी शफात को कबूल किया जाए। हदीस पाक का आंदा है सही मुस्लिम अंदर रवायत हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ताला ने मैनू पांच ऐसी खसूसियात अता कीतियां ने जिहड़ियां किसे होर नूं नहीं कीतियां। पहले जितने नबी दुनिया अंदर आए वो अपनी कौम वास्ते नबी बन के आए मैनू अल्लाह ताला ने हर सुरख और स्याह वास्ते नबी बना के भेजे। पहले नबियां दे वास्ते माले गनीमत हलाल नहीं सी अल्लाह ने मेरे ते हलाल कीता जंग होए ना तो जेड़ा दुश्मन का माले गनीमत हथे लगे वह हलाल पहले ना अंबिया के नहीं सी। तीसरे नंबर ते अल्लाह ताला ने कायनात दे रब ने मेरे ते खास फजल कीता है ए बल्कि ए बुखारी और मुस्लिम की रवायत है फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे वास्ते सारी जमीन नु ही मस्जिद बना दिया जिथे मर्जी नमाज पढ़ी जा सकती। फिर अल्लाह ताला ने मेरी ऐसे खास रोब दे नाल मदद फरमाई है कि एक महीने की मुसाफरत तू बंदे मेरे तो डर जाए। और पंजवें नंबर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मैनू सब तो पहले सिफारिश का हक अता किया। फिर एक दूसरी रवायत गालबन भी सही मुस्लिम अंदर
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेनू औलाद आदम का सरदार बनाया। क़यामत दा दिन होएगा मेरी कबर सब तो पहले शक होएगी, सब तो पहले पटेगी, मैं सब तो पहले बाहर आवां ते अल्लाह दी बारगाह सब तो पहले सिफारिश भी मैं करांगा ते मेरी सिफारिश सब तो पहले कबूल की जाएगी। नबी पाक इस्लाम की शफात बरहक है पर आप दी सिफारिश सानू मिलेगी किवें अज दी गुफ्तगू इस वक्त। आओ जरा तवज्जो फरमाओ अल्लाह दे कुरान ते गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया खालके कायनात दा कुरान इस बात दा ऐलान करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकातु सफ्फा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने दुनिया कायनात दे लोगो तवज्जो कर दे जाना जरा गौर करना मेरे मुसलमान भाईओ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक जनाब दीवें पारे दी पहली सूरत सूरा नबा दियां आखिरी आयतां दे अंदर इस बात दा ऐलान फरमाया है। अल्लाह फरमांदे ने यौम यकूमुर रूह वल मलाइकातु सफ्फा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान वकाल सवाबा। अल्लाह फरमांदे ने जदों क़यामत वाला दिन आएगा वो एडा सख्ती वाला दिन होएगा, वो एडा हैबतनाक दिन होएगा। अल्लाह अकबर के अल्लाह दे फरिश्ते भी सने जनाबे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफा बना के खड़े होंगे। अल्लाह अकबर हाथ बन के खड़े होंगे, हर बंदे ते कपकपी तारी होएगी, लोग घबराए हुए होंगे, पता नहीं अज की बनेगा। 50,000 साल का तवील दिन ते सूरज लोगों नूं तांबे की तरह तपा रहा है, रिश्तेदार किनारा कर जाएंगे, सज्जन बेली दूर चले जाएंगे, हर बंदा ही रब्बे नफसी दी आवाज़ां दे रहा है। अल्लाह ताला फरमांदे ने ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान वकाल सवाबा। अल्लाह ताला फरमांदे ने किसी नूं बोलण दी जरूरत नहीं होएगी, सिफारिश करन दी जरूरत नहीं होएगी, कोई अपना कदम नहीं हिला सकेगा, कोई अपनी जबान नहीं हिला सकेगा। हाँ मगर इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान वकाल सवाबा जिन्हां नूं अल्लाह इजाजत देंगे ते फिर वह अच्छे बोल बोलणगे। अल्लाह ताला उन्हां लोगों नूं इजाजत दे छड़णगे ते फिर वह जनाब अल्लाह की बारगाह अंदर कलाम करणगे, यानी अल्लाह की बारगाह के अंदर सिफारिश करणगे। अल्लाह ते अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अल्लाह अकबर हज़रत मोहतरम इस उम्मत के गम अंदर लोगों के दुख अंदर बोलणगे, कायनात दे रब नूं मनाणगे। अज अल्लाह की दात बड़े गुस्से अंदर है, बड़े गदब अंदर है। अगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने ज़ालिक अल-यौमुल हक ए ओ दिन ए ओ दिहाड़ा है। अल्लाह अकबर हज़रत मोहतरम रब्बुल आलमीन फरमाते ने ज़ालिक अल-यौमुल हक फमन शा अत्तखज़ा इला रब्बी माबा। ओ ते ना जाना जे बड़ी जल्दी आ जाना जे उत्थे फिर अल्लाह दे ओ बंदे ओ जेड़ा इत्थे चंगे अमल कमा के गया उत्थे ओंदे काम आणगे। हुण तुहाडी मर्जी है तुसी चंगे अमल कमा के नेकियां कमा के अल्लाह नूं राजी करके उत्थे अपने वास्ते आसानियां पैदा कर लो, क्योंकि जिन्हें चंगे अमल किए हुए ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून
ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸੀ ਹੋਈਏ, ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਲਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਫਾ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਫਾ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਸੁੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਦੁਆ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੁਆ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫੌਰਨ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਨਬੀ ਇਤਨਾ ਗਮਖਾਰ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਦ ਜਾ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਅਲੈਹਿ ਮਾ ਅਨਿਤੁਮ ਹਰੀਸੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਬੜਾ ਸ਼ਫੀਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਹੀਮ ਨਬੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦਾ ਗਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਹਰੀਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ। ਹਰੀਸ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੀਸ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਹਿਰਸ ਹੋ ਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਿਰਸ ਹੋ ਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਿਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਢੂੰਡੇਂਗੇ ਸਭੀ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਢੂੰਡੇਂਗੇ ਸਭੀ ਹਸ਼ਰ ਮੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਕਾਰੇਂਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਮਤ ਦਾ ਗਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਮਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਮਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਰੱਖਾਂ, ਗਾਲਬਨ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਲੋਕ ਪਸੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬਦੇ ਤੈਰਦੇ ਪਿਆਉਣਗੇ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਜਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਗਮਜ਼ਦਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੱਬੇ ਨਫਸੀ, ਨਬੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
हत्ता के एडा सख्त दिन होएगा बंदा कहेगा अल्लाह मेरे बच्चे जहन्नम में साड़ दे, मेरी बीवी जहन्नम में साड़ दे, मेरे मापे जहन्नम में साड़ दे, पर मौला मैनू बचा ले जहन्नम दे अज़ाब कोलों, अल्लाह मैनू अशर दियां सख्तियां तो बचा दे। ओए बेलिया बड़ा औखा दिहाड़ है, बड़ा औखा पेंड है, इस दिन वास्ते मेहनत कर ले, इस दिन वास्ते कोशिश कर ले। अल्लाह अकबर दाते मोहतरम तवज्जो करना, गौर करते जाना। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने चंद लोग आपस में मशवरा करेंगे, यार की कीता जाए, बड़ी देर हो गई, बड़ी परेशानी है, हिसाब शुरू नहीं पे आंदा। बंदे मशवरा करके चलते चलते बाबा जी आदम अलैहि सलाम को चले जाएंगे, बाबा जी तुसी इंसानियत दे बाप हो, तुसी ओ अजीम हस्ती हो जिन्हों अल्लाह ताला ने अपने हाथों के नाल आप गो के बनाया है, तुहानू अल्लाह ने अपने हाथों नाल तैयार किया है, तुसी अल्लाह की बारगाह सिफारिश करो ना, अल्लाह हिसाब शुरू करे ते जनाब मामला क्लियर हो जाए। जिन्हें जन्नत नू जाना जन्नत नू चला जाए, ते जिन्हें जहन्नम दा बालन बनना जहन्नम चला जाए। अल्लाह हू अकबर। बाबा जी आदम ने सलाम बुला गए, पर फैसला बाबी एडा सख्त दिन ने, अज मेरे मौला एडे जलाल अंदर ने, अल्लाह ताला दे पैगंबर हजरत आदम ने सलाम फरमान गए, ना मेरे पुत्रो तुहाडा गम मैनू बड़ा है, पर मैनू अज डर पिया लगदा है, मेरे को सिफारिश नहीं की जानी, मैं नहीं मत रखदा, मैं नहीं अल्लाह की बारगाह के अंदर गल कर सकदा। तुसी इंज करो जनाबे नूह अलैहि सलाम को चले जाओ, हजरत नूह पैगंबर को आणगे वह भी जवाब दे देंगे, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को आणगे वह भी जवाब दे देंगे, हजरत जनाब मूसा कलीमुल्ला को आणगे वह भी जवाब दे देंगे, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम को आणगे वह भी जवाब दे देंगे। कहणगे मैं नहीं कर सकता, नबी ईसा अलैहि सलाम जी असीं किहड़े पासे जाइए, जिन्हें को गए हाँ उन्हें जवाब दे दिता है, हर बंदे नूं अपनी अपनी पई है, दसो फिर की करिए। कहन लगे अगर चाहते हो तुहाडी गल बन जाए तो जाओ फिर अल्लाह दे आखरी नबी को चले जाओ, महबूब पैगंबर को जाओ, आमिना दे लाल को जाओ, शीमा दे वीर को जाओ, बदरे मुनीर को जाओ, सिराजे मुनीर को जाओ, मेरे पैगंबर को लोग जमाओ के आ जाएंगे। सोने अल्लाह दे नबी हुण इको आसरा दे गया है, सोने महबूबा असी सारे को गए हाँ, किसे पल्ला नहीं फड़ाया, अल्लाह दे नबी तुसी कुछ करो ना, अल्लाह दे आखरी नबी हो, अल्लाह दे महबूब पैगंबर हो, वाडे दिल अंदर उम्मत दा बड़ा गम है, ते मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाह ताला ने मेरे नबी नू शान एडा दिता है, अल्लाह दी युशरुज नास वाला कदमिया, अज कयामत दा दिन मैदान माशर दुनिया मेरे नबी दे कदमां ते जमा हो गई है। इहदे सोहणिया तुसी चलो ना, तुसी अल्लाह दी बारगाह सिफारिश करो ना, ते मेरे नबी अल्लाह अकबर अल्लाह दी रहमत दे नाल इन्हां दे लीडर बन के टुर पैणगे, ते मेरे नबी अल्लाह दी बारगाह च सजदे पै जाणगे, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जा के इंतजामा करन लग जाण। आका फरमांदे मैं सजदे पै के अल्लाह दी तारीफां बयान करांगा, मेरा मौला इंज दे मैनू जुमले सिखा छड्डेगा जिहड़े मैनू हुण इलम अंदर नहीं ने, बस उदों अल्लाह ताला मैनू इंज दे जुमले सिखाएगा, मैं बोलांगा ते अल्लाह ताला दा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ते अल्लाह ताला फरमाणगे सुनिया जरा सर मुबारक उठा लो ना, सल तो आता दसो की सवाल करना चाहते हो, वस्फा तू शफा दसो सिफारिश कि करनी है, अज तुहाडे सवाल मने जाणगे, तुहाडियां सिफारिशां कबूल कीतियां जाणगियां, ते मैं फिर अल्लाह दी बारगाह च इंतजा करांगा। अल्लाह उम्मत मेरी परेशान है, लोग गमजदा ने, अल्लाह अकबर तवज्जो करना, गौर करते जाना, ते अल्लाह ताला करम नवाजी कर देणगे, मेरी साबो किताब दे सिलसिले शुरू होणगे, ते अगली हदीस सुनो तुहाडा इमाम दादा हो जाए सिलसिला हदीस सुसैया दे अंदर और जामे तिरमिजी दे अंदर सही सनद नाले रवायत मौजूद है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह ताला मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कहणगे, सोहणिया इंज करो ना, 70,000 अपनी उम्मत दे बंदे 70,000 नाल लै लो ते जन्नत नूं चले जाओ, 70,000 बंदे तुहाडे नाल ने ते चले जाओ जन्नत दे अंदर, ते मेरे नबी इंज 70,000 बंदे नूं लै के खड़े ने, तुरदे कोई नहीं, फरमाया सोहणिया तुहानूं 70,000 बंदे दे दिते, लै जाओ जन्नत अंदर ते चले जाओ। ते आका फरमान गए अल्लाह तुहाडा मेरे नाल वादा है, वाला सौफा युतीका रब्बू का फतरदा, सोहणिया तुहाडा अहद मेरे नाल कहना प्यार रब्बा वादा है कि असीं तुहानूं राजी कर देंगे। अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी कसीर है, 70,000 बंदे बड़े थोड़े ने, अल्लाह 70,000
सरकार नाल गल नहीं बननी, मौला कोई होर मेहरबानी फरमाओ ना। ते मौला करीम मेरे नबी दी गल मन के अल्लाह फरमान गेंज करो सुनिया, फिर एक एक बंदे पीछे सत्तर सत्तर हजार बंदे दी होर लैन ला लो ते लै जाओ बगैर हिसाबो फैसला बादियो। पता है किन्ने बंदे बनते जे? 4 अरब ते 90 करोड़ बंदे बनते ने जेड़े बगैर हिसाब तू मेरे नबी की सिफारिश नाल जन्नत जा रहे ने। हजे मेरे नबी गुनाहगारां दीआं सिफारिशां करनियां ने, हजे मेरे नबी दूसरियां दीआं सिफारिशां करनियां ने। मेरे नबी दे कहण ते अल्लाह ताला 4 अरब ते 90 करोड़ बंदियां नूं कायनात दा रब मेरे पाक पैगंबर सलाम दे कहण ते बगैर हिसाब तू जन्नत अता कर देगा। ये जन्नत दे मेहमान बन जाणगे, अल्लाह रहमत फरमाणगे मेरे नबी दी सिफारिश ते। मैनूं फिर कहना पैणा है कि रब ने करम दी छां करनी जिस दम यार ने हां करनी, रब ने करम दी छां करनी जिस दम यार ने हां करनी, सर सजदे विचों चुक ले सोना, सर सजदे विचों उठा ले सोना, मैं कोई तैथों ना करनी जिस दम यार ने हां करनी। ते मेरा तसवर आंदा का फरमान गे पहला छड़ दियो मेरे उम्मती मौला, पहला छड़ दियो मेरे उम्मती मौला, अगली गल मैं तां करनी जिस दम यार ने हां करनी। ते अगला जुमला समझिया जे शायद पूरी गुफ्तगू दा निचोड़ होएगा। अल्लाह की फरमान गे जेड़ा जेड़ा तेरी मनदारी है, मेरे आ सुनिया जेड़ा जेड़ा तेरी मनदारी है, अज जन्नत उस दे ना करनी जिस दम यार ने हां करनी, रब ने करम दी छां करनी जिस दम यार ने हां करनी। तवज्जो करना, गौर कर दे जाना मेरे मुसलमान भाइयो, मेरे पाक पैगंबर ने ही सलातु असलाम सिफारिश फरमान गए और इस हदीसे पाक अंदर अल्लाह ताला मैनू जो इन्हें बंदे बगैर सब जन्नत दे अंदर ले जाण नूं कहेगा ते उहदे बाद कुछ लोग जिहड़े ने उह अपने गुनाहां ते आपां दी वजह करके मेरी उम्मत दे लोग जहन्नम अंदर जा चुके होणगे। ते कायनात दा रब तीन बुक भर के इंज जहन्नम विचों इन्हां नूं कढेगा ते जन्नत अंदर पहुंचा छड्डेगा। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना, गौर करदे जाणा। इहदे तों बाद जिहड़े बचणे ने उह पक्के मुशरक ही होणे ने, उह मेरे अल्लाह दे पक्के नाफरमान होने ने। अल्लाह ताला अपनी रहमत दे नाल मेरे नबी दी उम्मत नूं कलमा पढ़न वालियां नूं तौहीद परस्तां नूं जन्नत अता कर देनी है। हुण सुनिया जे जरा कौन कौन खुश नसीब होणगे जिन्हां नूं मेरे नबी दी जनाब सिफारिश मेरे नबी दी जिन्हां नूं फायदा पहुंचाएगी। ऐ गल जे नशीन कर लो, हदीसे पाक अंदर आंदा है नबी पाक अलैहि सलाम दे साहबी बयान करदे ने, हजरत अबू मूसा शारी रजी अल्लाह तआला बयान करदे, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने ऐलान फरमाया, आका फरमांदे ने मेरे सहाबा गल सुनो ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तआला ने मैनूं इख्तियार दिता है कि मैं अपनी अगली उम्मत नूं जन्नत च लै जावां बगैर हिसाब दे या फिर सिफारिश दा हक इस्तेमाल कर लवां। आका फरमांदे ने मैं अगली उम्मत वाली गल नूं इख्तियार नहीं कीता, मैं सिफारिश वाली गल नूं इख्तियार कीता। पता लगा अद्धी नालों तो बहुत ही जाएगी ना। हाँ जी, नबी पाक ने अद्धी वाली तो गल ही नहीं इख्तियार की थी। फरमाया अद्धी उम्मत वाली गल मैं नहीं इख्तियार की, मैं क्या अल्लाह सुनया मैनू सिफारिश दाग दिता जाए क्योंकि मेरे नबी सिफारिशा करके उम्मत गुनाहगार बख्शवाने ने। मेरे नबी ने अपनी उम्मत के बारे मुहब्बत के बोल अल्लाह की बारगाह के अंदर रो रो के बोलने ने। ओए उम्मती आ मेरे नबी नाल प्यार करया कर, मेरे नबी नाल मुहब्बत करया कर। अल्लाह दिया बंदिया पता नहीं किवें तेरा दिल करदा है मेरे नबी की नाम फरमानी करन लगे। एक पासे
ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਸਫਾਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਫਲਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਪਿਆਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਕਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ ਬੱਚਿਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਮੂਸਾ ਅਸ਼ਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਫਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਬਾ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਇਲਾ ਮਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ ਓਏ ਬੇਲੀਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਨ ਸ਼ਿਰਕ ਲਾ ਜ਼ੁਲਮੁਨ ਅਜ਼ੀਮ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਛੱਡਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅੱਲਾਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਓਏ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਨਹੀਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਚੌਧਰੀ ਏ ਮੱਕੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਏ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਤ ਯਦਾ ਅਬੀ ਲਾਹਬ ਮਤਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਖਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਜਰਾ ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਜਾਏਗਾ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਓਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੱਲੇ ਫੜਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਾਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਕਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਬੜਾ ਹਦੀਸਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਬੜਾ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਅੱਜ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੈਂਸਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਵਜਾ ਲਈ ਓਏ ਬੇਲੀਆ ਸ਼ੌਕ ਇੰਜ ਦਾ ਬੜਾ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹੈ ਇਤਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਗਸ਼ ਖਾ
के गिर जाया करते सन ते अंधेरे अंदर सहाबा उन्हां दी कमर ते पैर रख के टुर जाया करते सन पता नहीं सी लगदा अंधेरे दे अंदर मगर अबू हुरैरा मस्जिद नबी विचों बाहर ना जांदा फरमाया क्यों नहीं जांदे ऐसा ना होए कि अल्लाह दे नबी कोई हदीस सुनाण ते मैं सुन ना सका मैनूं शौक ही बड़ा है अल्लाह दे नबी दीआं हदीसां पिया 5000 तो ज़ायद हदीसां कल्ले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान कीतीआं यार शौक भी होए ते इंज दा होए बड़ा शौक है दिल दे अंदर बड़ी तमन्ना ते ख्वाहिश है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने दुनिया वालेओ मैं पूछिया सोहणिया किहड़े खुश नसीब नूं सिफारिश मिलेगी ते आका फरमांदे ने अबू हुरैरा सब तों पहला खुश नसीब बंदा मेरी सिफारिश हर उस बंदे नूं मिलेगी जिन्हें इखलासे नीयत दे नाल पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह जिन्हें कह दिता कोई इलाह नहीं कोई हाजत रवा नहीं लात नहीं मनात नहीं उज्जा नहीं हुबल नहीं बद नहीं सुआ नहीं यूब नहीं नसर नहीं ना कोई करनी वाला ना कोई भरनी वाला कोई अल्लाह के इलावा दादा नहीं कोई अल्लाह के इलावा गौसे आदम नहीं कोई अल्लाह के इलावा बसगीर नहीं कोई अल्लाह के इलावा गंज बख्श नहीं कोई अल्लाह के इलावा रंज बख्श नहीं कोई अल्लाह के इलावा बिगड़ियाँ बनाने वाला नहीं कोई अल्लाह के इलावा लेख जमे खमरण वाला नहीं जिन्हें अकीदा बढ़ा लिया जिन्हें इंज का अकीदा बनाया और टकियां ते इमाम का सौदा करने वाले बरादरी नूराजी करने वास्ते तौहीद तो पीछे मुड़न वाले मेरे नबी सिफारिश करनी है तौहीद वाले बंदे दी अल्लाह तो वहदहू ला शरीक मनन वाले बंदे दी अल्लाहु अकबर उहदी सिफारिश करनी है इहदे बारे अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह थुम्म इस्तकामो जिन्हें आख्या मेरा रब अल्लाह है फिर डट गया सकी देते डोलिया नहीं घबराया नहीं मारा बड़िया खादिया मेरे बिलाल नूं वेख ले मार मार के मुशरकी ने मक्का ने मेरे बिलाल का बदन सुजा दिता है कदी अंगारे आम ते लिटांदे ने कदी गर्म रेत ते लिटा के घसीटते ने कदी सीने ते पत्थर रख के मेरे बिलाल नूं अज़ियत देंदे ने ते बिलाल नूं मैया कहिंदा बिलाल खांदा मेरे घरों ऐ पहनना मेरा दिता है पींदा साढ़े घरों है गुलाम दर गुलाम तेरा बाप भी गुलाम तेरी मां भी गुलाम तू ही मेरा गुलाम मैं तेरा आका वहां ते मेरी गल नहीं मंदा बिलाल फड़ ले मैं बुतनू तेन अपना हाजत रवा मन ले बुत हत्थां च फड़े ने तलवार हत्थां च पकड़ी हुई है मार मार के मेरे बिलाल नू अल्लाह अकबर जनाब जख्मी किया पिया है मेरे बिलाल उत्ते दुश्मन खड़े हुए ने बिलाल इको गल मन अल्लाह नू वाहिद ना आख्या कर अल्लाह नू वहदहू ला शरीक ना मनिया कर मेरे बिलाल नू जितना मार देने ते मेरे बिलाल कहिंदे ने मुशरिको तुसी ढिल ला लो अपने जिवें मर्जी कर लो बिलाल ने कह दिता है अल्लाह इको ही है ते अल्लाह दी कसम अल्लाह इको ही है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद अहद 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 दे नारे मार दे ओ मार दे पैने किते डंडे मार दे किते पत्थर मार दे किते तलवारां दियां अनियां पैरां च मार दे ते कहिंदे ने बिलाल कलमा छड़ अल्लाह दी तौहीद इकरार छड़ दे ते मेरे नबी दा बिलाल कहिंदा है मेरे नबी दा बिलाल कहिंदा है ओए मुशरको तुसी अपना टिल ला के वेख लो बिलाल ने कलमा पढ़ ले अल्लाह दी तौहीद दा बिलाल जान दे सकदा है पर बिलाल इमाम तो बाद नहीं आ सकदा इंज दा तौहीद परस्त बनना ही इंज दा तौहीद परस्त अल्लाह अकबर तवज्जो करदे जाना गौर करदे जाना काला रंग ते हबशे दे रहन वाला काला रंग ते हबशे दे रहन वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल ला के कलमा छड दे बिलाल नू कहण काफर पत्थर मार दे तलियां च किल ला के ते कलमा नहीं छड़ना ए बिलाल क्या तुसी वेख लो अपना दिल लाके रब ने रंग बिलाल दा वंड छड़िया हर सोने मुखड़े ते दिल लाके अल्लाहु अकबर मेरे बिलाल तो ऐसे तौहीद वाले बन जो फरमाया जिन्हें इखलासे नीयत नाल एक बार मेरा कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर जिन्हें पढ़ लिया ते फिर अल्लाह ताला दी रहमत नाल ओ मेरी सिफारिश दा हकदार बन गया मैं उनकी सिफारिश जरूर करांगा पहला खुश नसीब बंदा
तौहीद परस्त बंदा है, तौहीद परस्त। अल्लाह अकबर, तवज्जो कर दे जाना, गौर करना मुसलमान भाईओ। मैं जड़ी गल बयान करना चाहना तुहाड़े सामने, बड़े तवज्जो नाल, बड़े प्यार नाल, बड़ी मुहब्बत नाल इस गल नूं समाप्त कर लो। दूसरा एक खुश नसीब बंदा तुहाड़े सामने बयान करा, दूसरा खुश नसीब पता है कौन है? जिन्हों कैनात दे रब ने। अल्लाह अकबर दाते मोहतरम, जेड़े बंदे नूं मेरे नबी दी सिफारिश दा हकदार बनाना है, यह भी अधीश समाप्त फरमा लो। बड़े प्यार वाली अधीश है। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया कैनात दे लोगो, मेरे पैगंबर बयान करते ने, फरमाया जो मस्जिद अंदर अजान आती है ना, अजान आती है तो मुअज्जिन पढ़ता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाया मुअज्जिन जो अजान पढ़े तो अजान सुनो इत्मीनान नाल, उहदा नाल नाल जवाब देंदे जाओ। मिसाल के तौर पर मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तू ही क्या कर, अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तू कह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तू ही कह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सला हय्या अलस्सला। ते तू ओदो सुन के क्या कर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह तौफीक देगा मैं जरूर नमाज पढ़ांगा, अल्लाह दी तौफीक नाले कम होना है। हय्या अलल फला, फिर यही जवाब देना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह अकबर, ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बेलिया तू ही कहना अल्लाह अकबर साढ़े ते माहौल इंजे। मेरिया मावं भैनों मैं नसीहत करांगा, अजान आ जाए तो कोई अब अदब दे दायरे चा जाया करो। सारा दिन ही जनाब घरां दे अंदर फिल्मां चल रहीं, ड्रामे चल रहे, अज अजान का भी अदब कोई नहीं रह गया। उंजी फिल्मां ड्रामे चलते रहिंदे ते अजानां ही जांदियां ने, नमाज भी नहीं पढ़नी, अजान का अदब भी नहीं करना। है असी मुसलमान है, असी कलमा गोवा है, साडा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नाल मुहब्बत दा बड़ा दावा, पर एडे चंगे मुसलमान आ कि मस्जिद च अजान आ रही होंदी है ते साडे घर मुसीकी चल रही होंदी है, मस्जिद अंदर अल्लाह दी तौहीद दा वादा आ रहा होंदा है ते साडे घरां दे अंदर ड्रामे पे चलदे होंदे ने। मैनू दसो ईमान वालिओ, बरकतां कित्थों आणगियां, रहमतां कित्थों आणगियां, महंगाई नहीं होएगी ते होर की होएगी। इत्थे आपां सारे रल जांदे आ ते जनाब लोकां नूं इंजाम ठहरा देने आ, कदी किसे नूं ठहराने आ, कदी किसे नूं जनाब मुलजम ठहराने आ। फलाम की वजह तो इंज होया, फलाम की वजह तो इंज होया, कोई आंदा नवाज शरीफ की वजह तो होया, कोई आंदा इमरान खान की वजह तो होया। यार ये भी गल्लां ठीक होण गईआं, मगर मैं जिहड़ी गल करना अल्लाह दे बंदिआ, ज़हर अल फसाद फिल बरी वल बहर बिमा का सबक आई दिनास, खुशकी तरी ते जिहड़े जुलम फैले होए ने वह तेरिया मेरिया ना फरमानियां की वजह करके फैले हुए ने। नवाज शरीफ क्यों हुक्मरान बनिया, इमरान खान क्यों हुक्मरान बनिया, तुहाडी वजह तो ही बनिया है। अल्लाह अकबर, अपने माल चंगे बना लो, अल्लाह हुक्मरान चंगे दे देगा अपनिया ने अपना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे फरमा बरदार बन जाओ, कहना आपका रब तुहानू चंगी हुकूमत भी अदा कर देगा। ओए जदों नमाज़ी होया करदे सन लोग, जदों हाजी होया करदे सन लोग, जदों ईमान वाले अमानतदार वादे दे पासदार होया करदे सन, अल्लाह तो डरन वाले होया करदे सन, ते फिर हुक्मरान भी ते मेरे उमर वर्गे होया करदे सन, फिर हुक्मरान भी ते जनाब अल्लाह अकबर अब्दुल अज़ीज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वर्गे होया करदे सन, हुक्मरान भी ते मेरे सिद्दीक अकबर वर्गे आंदे सन, मेरे हैदर करार वर्गे आंदे सन, मेरे उस्मान गनी वर्गे आंदे सन। तुसी अहले ईमान बन जाओ ते डट जाओ ईमान पे, ते नेकियां करन वाले अल्लाह तो डरन वाले तकवा इख्तियार करन वाले बन जाओ। अल्लाह अकबर, हालात ठीक हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे, अजाम का अदब करया कर। मेरे नबी फरमाते रहे, अजाम का जवाब दिता, मेरी जात से दरूद पढ़िया, फिर मेरे वास्ते दुआ की, दुआ की अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावती तामत वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदन الوسيله والفضيله وبعث مقاما محمودا الذي وعد। जेड़े बंदे ने दुआ की, अल्लाह सोनिया ऐ तौहीद दे कलमात दे ऐलान वाले आ रब्बा, नमाज नु कायम कराण वाले आ रब्बा, मेरे नबी नु मुकामे महमूद अता कर दे जिदा तू दिन वादा कीता है। फरमाया जेड़ा बंदा एक कलमात मेरे वास्ते बोलेगा, ओदी शफात अल्लाह ताला मेरे जिम्मे ला छड़ेगा, मैं ओदी सिफारिश जरूर करांगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। ओए अल्लाह दे बंदिया, और बड़े कम्मां वास्ते टाइम कढ़ना है, ते मेरे नबी वास्ते इस दुआ दा टाइम क्यों नहीं कढ़दा, मेरे नबी वास्ते इंतजार क्यों नहीं करता। अल्लाह ताला ने मेरे नबी नूं ए मुकाम ते देना ही देना है, अल्लाह दा वादा है। पर तेरे पढ़ लैण नाल जे
तेरा काम बन जाए ते अल्लाह दिया बंदिया किड्डा मुनाफे दा सौदा है। मेरे नबी जी जाते जनाबे दुआ पढ़िया कर मेरे नबी वास्ते वसीला मुकामे महमूद दा सवाल करिया कर। मेरे नबी तेरी सिफारिश करनगे अल्लाह दी बारगाह अंदर सजदे पै पै के करनगे। अल्लाह हू अकबर। चलो एक तरह ना तुहानू सुनावा प्यार वाला। अल्लाह हू अकबर। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। दिन हशर इतने लोग कहेंगे ना तुहाडा भाभी पीर कौन है। वेखो तुम पीर विखावा साडा पीर वेखो। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना है। अगले जुमले ने तुहानू तड़पा के रख देना है। साडे वर्गियां गुनागारां नू साडे वर्गियां गुनागारां नू सुने घुट के सीने ला लेना है। सोने गोट के सीने ला लेना है। उथे कुल नबिया जदो ना करनी बस पीर मेरे ने हां करनी। बस पीर मेरे ने हां करनी। उथे सब नबिया मेरे आका नू उथे सब नबिया मेरे मुर्शिद नू अपना सरदार बना लेना है। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। मेरे पीर ने रब नू मना लेना। चुक चुक अड्डियां लोकी वेख देने ईशाना वाला कौन आया है। अजमत वाला कौन आया है। जद पीर मेरे झंडा हमद वाला जद पीर मेरे झंडा हमद वाला बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेना। बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेना। उथे कौसर दा इक हौज़ो सी जिथे सोना जलवा फरोज़ो सी। जिथे सोना जलवा फरोज़ो सी जिस जाम कौसर दा पी लेना। अल्लाह तुहानू सारयां नू पिला दे। मैं इरादा बनाया अगला जुमा मैं पढ़ाना इंशाल्लाह जामे कौसर के हकदार कौन किना किना नबी पाक दे हथों जामे कौसर लभना है। अल्लाह अकबर। जिन्ना जाम कौसर दा पी लेने ओनू रब ने ते अपना बना लेने। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना। बड़ा प्यार वाला जुमला जी। मैं मन्निया जन्नत बहु सोनी पर उस दिन इस ते उरूजो सी। पर उस दिन इस ते उरूजो सी किस दिन जद इस विच मेरे आका ने जद इस विच मेरे मुर्शिद ने सने यारा डेरा ला लेना। सने उमदियां डेरा ला लेना। ओ साडे वर्गिया गुनागारा नू सुने घुट के सीने ला लेना। हजरते मोहतरम तवज्जो करिया जे गौर करिया जे। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम सिफारशां करनगे अपने उमतियां दियां। अल्लाहु अकबर। दूसरा बंदा अजान सुन के मेरे नबी ते दुरूद पढ़दा है ते मेरे नबी वास्ते दुआ करदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला उस बंदे नू मेरे नबी दी सिफारिश दा हकदार बनाणगे। तीसरे बंदे दी गल सुन लो। मेरे पैगंबर ने ऐलान फरमाया सही उल जामे दी रवायत है। नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम फरमांदे गालबन हजरत अबू दरदा रजी अल्लाहु ताला इस हदीस दे रावी बयान करदे ने। जेड़ा बंदा बकैदगी दे नाल सुबह नू 10 मरतबा ते शाम नू 10 मरतबा मेरी जात ते दुरूद पढ़दा है पाबंदी नाल पढ़दा है जरूर पढ़दा है मसनून पढ़दा है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद।
मजीद जेड़ा बंदा सुबह 10 वार दरूद पढ़े शाम 10 वार दरूद पढ़े किन्ना टाइम लगना है 10 मिनट लग जाएंगे ज्यादा तो ज्यादा सुबह 10 शाम ओ यार तू दिन अंदर 20 मिनट भी मेरे नबी ते दरूद पढ़न वास्ते नहीं कढ़ सकदा ते फिर बदनसीबी ना सुनया मेरे नबी दी दाब ते दरूद पढ़िया कर दरूद फायदा तेरा ही होएगा तेरे दुख भी दूर होणगे रिज़क च भी बरकतां पैणगियां अल्लाह दीआं रहमतां भी नादल होणगियां आका फरमांदे ने जिहड़ा बंदा एक बार एक बार एक बार मेरे ते इखलास नीयत नाल दरूद पढ़दा है अल्लाह ताला उस बंदे ते 10 रहमतां नादल कर देंदे ने अल्लाह ताला उस बंदे दीआं 10 जनाब खतावां माफ कर देंदे ने 10 दर्जात बुलंद कर देंदे ने इत्थे इक गल तुहानूं समझावां ईमान दादा हो जाएगा अल्लाह ताला ने साडे कंधियां ते दो फरिश्ते मुकर्रर कीते होए ने अल्लाह फरमांदे ने किरामन कातिबीन यअलमून मा तफालून असीं दो फरिश्ते मुकर्रर कीते ने ओए बेलिया गल सुनना ऐ जिवें वीडियो तैयार हो रही है कैमरे दे जरिए ऐ तकरीर पूरी दुनिया च नशर हो जाणी है मीडिया जनाब अल बदर स्टूडियो दे जरिए पूरी दुनिया च पहुँच जाणी है इंजी जिथे भी तू चलता फिरता पिया तनहाई दे अंदर महफल दे अंदर एक वीडियो तेरी भी तैयार पी आउंदी है ऐ फरिश्ते तेरी वीडियो तैयार करते पै ने ओए किताबां पढ़दा रहिंदा है किताब तेरी जिंदगी दी भी लिखी जा रही है जिदा तू आप ही मुसन्नफ है जोड़ा कुछ लिखांदा पै ओ लिखिया जा रहा है कंधियां वाले फरिश्ते हर गल नोट पै कर दे अल्लाह दी अदालत अंदर तेरे सामने सारी पट्टी चला दी जानी है ते तू कहना लै मैं ते तनहाई च जाके कीता सी मैं बुराई ते जनाब लुक के कीती सी राह दी तरीकी अंदर अल्लाह फरमान के तेनू पता नहीं सी किरामन कातिबीन यअलमून मा तफालून अल्लाह वैसे भी आलिमुल गैब है ते अल्लाह ने ड्यूटी लाई हुई है ड्यूटी लाई हुई है फरिश्तियां दी ऐ तेरा सज्जे पासे वाला फरिश्ता तेरियां नेकियां लिखदा है खब्बे पासे वाला तेरे गुनाह दर्ज करदा है पर गवत तवज्जो करया जे जदों बंदा नेकी करे ना उदों सज्जे पासे वाला फरिश्ता कलम नु हरकत अंदर ले आंदा है जदों जनाब बंदा गुनाह करे खब्बे पासे वाला फरिश्ता कलम नु हरकत अंदर ले आंदा है जदों बंदा नेकी करे उदों गुनाह वाला कलम नु हरकत नहीं अंदर अंदर नहीं ले आंदा जदों बंदा गुनाह करे उदों नेकी वाला कलम नु हरकत अंदर नहीं ले आंदा मगर मेरे नबी दी ज़ात ते दुरूद पढ़न वाला एडा वड्डा अमल है जदों बंदा दुरूद पढ़दा है ना ते दोनों फरिश्तियां दीआं कलमां हरकत अंदर आ जांदी ने तुसीं कहणा मौलवी जी बड़ी अजीब गल कीती जे पढ़िया सी दुरूद काम नेकी वाला कीता है ते गुनाह वाला फरिश्ता क्यों कलम नु हरकत अंदर ले आंदा है ओए सज्जे पासे वाला नेकियां वाला तेरियां 10 नेकियां लिखी जांदा है ते गुनाहां वाला तेरे 10 गुनाहां ते सियाईयां फेरी जांदा है दुरूद पढ़िया कर दुरूद पढ़िया कर मेरे नबी दी ज़ात ते 10 वार सुबह पढ़ 10 वार शाम पढ़ जिहड़ा पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नूं मेरे नबी दी सिफारिश दा हकदार बना छड़नगे मेरे नबियों दे सिफारशी बन जाणगे दुरूद पढ़िया करो और चौथा मसला तुहाडे सामने बयान करा अल्लाहु अकबर ज़ाते मोहतरम तवज्जो करना गौर करदे आ इब्रानी शरीफ अंदर रवायत सही सनद नाल मौजूद है मेरे पैगंबर ने फरमाया जिहड़ा बंदा सुबह दे वेले ऐ जुमले अदा करदा सुबह दे वेले रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया जेड़ा बंदा ए जुमला पढ़दा ना सुबह दे वेले अल्लाहु अकबर अल्लाह सोणिया मैं तेरे रब होण ते राजी मैं इस्लाम दे दीन होण ते राजी अल्लाहु अकबर और मैं सोणे नबी दे आखरी नबी होण ते राजी कहना ते रब्बा मैं राजी हां तेरी रज़ा ते अल्लाह सोणिया मेरा दीआं ओए चलदा फिरदा उठदा पैंदा पढ़ी रखिया कर रज़ी तू बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया एदे बड़े फायदे ने कभी मौका बनिया मैं कल्ले इस जुमले इन इस जनाब दुआ दे भी फायदे तुहानू सुनाने ने इंशाअल्लाह इत्थे सुन लो फायदा मेरे नबी दी सिफारिश लभनी उस बंदे नू पता है अल्लाह कह रिहा अल्लाह मैं तेरे ते राजी हां जिवें तू हुक्म दित्ता मैं तेरे ते राजी गमी अंदर भी राजी खुशी अंदर भी राजी क्या कर मैं तेरे ते राजी मैं तेरे ते राजी मेरी जमात ते बहुत बड़े आदमी दीन और जनाब अल्लाह दे वली सूफी बाकर रहमतुल्लाह अलैह तांदलियां वाला दी सरजमीन चौक दादू दे रहण वाले दुनिया तो चले गए बड़ी दीन दी खिदमत कीती बड़े अल्लाह दे नेक बंदे सन जेड़े लोग दसदे ने उहनां नूं मिलण वाले बुजुर्ग हर वेले सूफी साहब इक्को ही गल क्या करदे सन अल्लाह
बाकर तेरे ते राजी है, अल्लाह बाकर तेरे ते राजी है, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। सौ जाते जो उठ दे जुमला बोलते अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। लोग कहते हैं सूफी साहब की करते जे हर वे एक ही जुमला बोलते रहते जे मैं तेरे ते राजी मैं तेरे ते राजी। तुसी राजी हो गए तो की होएगा? फरमान लगे हो बेलियो तुहानू पता नहीं, मैं लख बार कव करोड़ बार कव अल्लाह मैं तेरे ते राजी हाँ मैं तेरे ते राजी हाँ। ये मेरे रब एक बार कह दिता बाकर मैं तेरे ते राजी हाँ तो मेरा काम बन जाएगा। رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جیڑا بندہ اے دعا صبح پڑھ لیندا اے آقا فرماندے نے ایسے بندے دی میں سفارش کراں گا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا اونوں ہتھوں پھڑ کے میں نال اپنے جنت وچ لے جاواں گا۔ میرا نبی نال لے جا رہا اونوں جنت जनाब शान आला एम एन ए साहब मेरा इस्तकबाल करके मैनू आप लै गए। मैं एडा तगड़ा बंदा मैनू वजीर आजम ने अपनी गड्डी च बिठा के मैनू सफर कराया। ओए अल्लाह दिया बंदिया ओ बड़ी उच्ची शान आला बंदा ही ए ते दुनिया दियां गल्लां ने शान आला ए जिनू हत्थों फड़ के मेरे नबी जन्नत नूं लै जाणगे। आ जा अल्लाह दिया बंदिया जन्नत दे मेहमान बणीए मेरे नबी ओनू जन्नत ते लै के जाणगे। करना की है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। अल्लाहु अकबर दाते मोहतरमे पढ़िया कर कहना दा रब तेरे ते राजी हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू मेरे नबी दा सिफारिश तेरे पाक अंदर कबूल कर लेगा। पंजवीं गल सुनावा एक पंजवे खुश नसीब बंदे दी आपां गल इत्थे मुका देईए। आका ने सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा जेड़ा तुहाडे विचों बंदा ताकत रखदा है हिम्मत रखदा है वह कोशिश करे मदीने अंदर रैश बनाण दी, ते जेड़े बंदे नू ईमान दी हालत अंदर मदीने शहर मौत आ गई अल्लाह ताला उस बंदे नू भी मेरी सिफारिश का हकदार बना छड़ेगा। मेरे जिम्मे में मैं उस बंदे दी सिफारिश करा अल्लाह मेरे ते वाजब कर देंगे उस बंदे दी मैं सिफारिश करा। ओ यार बड़े किस्मतां वाले हो लोग जिन्हां नू मदीने मौत आई है, बड़े नसीबां वाले हो लोग जिन्हां नू मदीने मौत आई है। अल्लाह हू अकबर मैं गौर पिया करदा सी शायद इसे वजह करके मेरे नबी दा यार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अल्लाह को दुआ करया करदे सन अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिक। अल्लाह सोने कहना प्या रब्बा अल्लाह मैनू शहादत की मौत भी अता कर दे ते शहर मदीने चता कर दे क्योंकि शहर मदीने ईमान वाले नू मौत आ गई ते मेरे नबी उन्दे सिफारशी बन जाणगे। ओए बेलिया कोशिश करया कर अल्लाह सोने असी तेरी बार का इंतजार करने है माड़े बंदे है गरीब बंदे इन्हें जोगे ते कोई नहीं पर मौला तेरे सामने मुश्किल कोई नहीं। तू चाहे ते तमाका लाहौर अंदर होवे इलाज रियाज अंदर होवे ते तेरा बंदा लम्मा शान लई जहीर रहमतुल्लाह ले मौत आ जाए ते दफन जन्नतुल बकीए च हो जावे अल्लाह तेरिया रहमतां हो जान कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह इन्हां नूं भी मदीने मौत देवी अल्लाह मैनूं भी मदीने मौत देवी अल्लाह जन्नतुल बकी कब्रस्तान अंदर जिथे मेरे नबी दे यारां दीआं कब्रां मेरे नबी दीआं बीवियां दीआं कब्रां मेरे नबी दीआं बेटियां दीआं कब्रां अल्लाह सोणे करम कमाई ते सानू भी उस जगह ते थोड़ी जी जगह अता कर देनी। दुआ करया कर अल्लाह दिया बंदिया अल्लाह हू अकबर देवबंदी देवबंदी मकतबा फिक्र दे बहुत बड़े आलमे दीन अल्लाह अकबर हज़रत मोहतरम डेरा गाजी खान दे इलाके दे बड़े अजीम खतीब सन अलामा साहब के बड़े करीबी साथी सन। उन्हें अपनी गुफ्तगू च दसिया एक दिन जनाब जन्नतुल बकी अंदर मैं भी नाल सा अलामा एहसान लई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह भी नाल सन ते अलामा एहसान ने अल्लाह को रो रो के यो दुआ की मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह तंदे कदमों को खड़ो के अलामा एहसान लई गुनहगार नूं भी इत्थे थोड़ी जी जगह दे दे।
अल्लाह सोनिया तेरे वास्ते कोई मुश्किल नहीं। फरमान दे जो मैं पता लगया एहसान इलाही धमाके अंदर जख्मी होके सऊदिया का जहाज लै गया है ते अल्लामा एहसान मौत आ गई है ते अल्लामा एहसान जन्नतुल बकी अंदर दफना दिता गया है ते मैं आख्या यार एहसान तेरे तो वध के मैं वली बंदा कोई नहीं वेख्या। जिवें जिवें दुआ की है उंजी अल्लाह तेन अता कर दिता है। अल्लाह को अंबर जाते मोहतरम दुआ मंगिया करो अल्लाह के कोलो दुआ मंगने गली होवे मदीने दी तुरण दाता मजाया वे गली होवे मदीने दी तुरण दाता मजाया वे ए बागोवण कुजूरां दे फिरण दाता मजाया वे गली होवे मदीने दी तुरण दाता मजाया वे मरण तू मैं नहीं डरदा ए मौत इक दिल ते आनी मरण तू मैं नहीं डरदा ए मौत इक दिल ते आनी कबर होवे बकी अंदर मरण दाता मजाया वे कबर होवे बकी अंदर मरण दाता मजाया वे ऐसी ना मिंबर नालो वे सबस गुंबद दी छां होवे असां मुद्दतां दे सिकदियां नूं ठहरण दाता मजाया वे गली होवे मदीने दी तुरण दाता मजाया वे जेड़े बंदे नूं इमाम दी हालत अंदर मदीने मौत आ गई ओदी भी मेरे नबी सिफारिश जरूर करनगे। आओ लोगो मुशरक बंदे दी मेरे नबी शफात नहीं करनी मुशरक बंदे वास्ते किसे दी सिफारिश कबूल भी नहीं जे होनी। मेरे नबी नाल सच्चा प्यार करो तौहीद परस्त बनो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे ताबेदार बनो। गुनाह गलतियां खतावां हो जांदे ने अल्लाह ताला रहमत करनगे बख्शे जावांगे हुजूर सिफारिश करनगे बख्शे जावांगे। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।